हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे व स्वस्थ होंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम अंक की मात्रा से बनने वाले शब्दों को पढ़ेंगे। अंक की मात्रा किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी के रूप में लगाई जाती है और अंक की आवाज हमेशा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? र अंग गो ली। क्या बना? रंगोली। ये किसका चित्र है? रंगोली का। प तंग, त में कौन सी मात्रा है? अंग की। ग क्या बना? पतंग। प तंग पतंग, ये किसका चित्र है? पतंग का। नेक्स्ट क्या है? क, क में कौन सी मात्रा है? अंग की। क्या बना? कंग घी। क्या बना? कंघी। किसका चित्र है ये? कंगी का। श, श में कौन सी मात्रा है? अंग की। शंग ख, क्या बना? शंख। ये किसका चित्र है? शंख का। ह, ह में कौन सी मात्रा है? अंग की। तो क्या बना? हंस, हंस। ये क्या है? हंस। ब, ब में कौन सी मात्रा है? अंग की। बन द र, क्या बना? बंदर। ये किसका चित्र है? बंदर का। अब हमें चित्र को पहचान कर और उनके नाम को पूरा करना है। तो ये हमें पहला चित्र किसका दिखाई दे रहा है? बंदर। तो हम बंदर को कैसे लिखेंगे? ब अन, अन पे मात्रा लगाई हमने, ब पे अंग की। बंदर, क्या बना? बंदर। नेक्स्ट चित्र किसका है? हंस। हंस को हम कैसे लिखेंगे? ह अन स, हंस। ये क्या है? पतंग। किसका चित्र है ये? पतंग। पतंग को कैसे लिखेंगे? प तंग, अब अंग की मात्रा की आवाज किस में आ रही है? त में। प तंग ग, क्या बना? पतंग। ये किसका चित्र है? शंख का। तो शंख को हम कैसे लिखेंगे? श, अब श में किसकी आवाज आ रही है? अंग की मात्रा की। शंख, क्या बना? शंख। तो स्टूडेंट्स, आप सबको भी इसी तरीके से अंग की मात्रा की प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।